जय स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी है वो पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8 के हिंदी में आज हम एकम 6 भरत के स्वाध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले और 41 पेज नंबर है वो निकाले, उसमें स्वाध्याय दिया गया है। बच्चों, आप देखिए कि प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें 3 प्रश्न है वो पूछे गए हैं कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था। ये प्रश्न है, इसका जवाब हमने स्वाध्याय पुस्तक कार्य में कर लिया है। दूसरा है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आक्रोश हो रहे थे, इसका जवाब भी हमने स्वाध्याय पुस्तक में लिख लिया। और तीसरे का भी हमने स्वाध्याय पुस्तक में जवाब है वो लिख लिया है कि दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां अपनाई थी या बताई थी। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। आपको कहानी लिखनी तो आता ही होगा कि चित्र दिया है उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। कहानी लेखन में एक बात बहुत ही जरूरी है कि कहानी लिखते समय उसका शीर्षक यानी कि उस कहानी का कोई ना कोई नाम हमें देना होता है। तो ये कहानी है वो हम पहले लिख लेते हैं या समझ लेते हैं, बाद में अंत में ऊपर इस कहानी का शीर्षक लिखना यानी कि टाइटल देना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, यह चित्र है उसकी कहानी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार कहानी लिखी जाती है। नंदू एक गरीब लड़का है। बच्चों, उसमें जो व्यक्ति का नाम है वो जो फोटो है उसमें जो व्यक्ति है उसका नाम नंदू दे दिया है। आप भी किस कोई भी नाम दे सकते हैं। नंदू एक गरीब लकड़हारा था। लकड़हारा यानी कि जो लकड़े काट कर अपना गुजरान है, अपना जीवन है वो बिताता है, ऐसा लकड़हारा था। यानी कि वो रोज लकड़े तोड़ने जाता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शाम को नगर में उन्हें बेच देता था। वो रोज लकड़ी है वो काटता था और शाम को नगर में जाकर वो सारी की सारी लकड़ी है वो बेच देता था। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनके परिवार का गुजारा चलता था। जो लकड़ी वो काट कर बेच देता था उनमें से जो पैसे आते थे उसके द्वारा ही उसका परिवार है वह अपना गुजरान है वो चला रहा था। एक दिन नंदू जंगल में दूर तक चला गया। एक दिन नंदू है वो लकड़ी को काटने के लिए दूर तक जंगल में चला जाता है। वहां उसने नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखा। उसने देखा कि बड़ा सा पेड़ है, इसकी सारी लकड़ियां मैं काट दूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो नंदू ने एक बहुत सा बड़ा पेड़ है वो नदी के किनारे देखा था। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएगी क्योंकि बड़ा पेड़ था तो बड़े पेड़ को काटने से बहुत सारी लकड़ियां है वो मिल जाएगी, ऐसा नंदू ने सोचा था। वह अपनी कुल्हाड़ी देकर उस पेड़ पर चढ़ गया। बच्चों, आप देखिए कि चित्र में भी नंदू है वो पेड़ पर चढ़ जाता है अपनी कुल्हाड़ी को लेकर। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि नंदू झपट कर अचानक ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी है वो छूट गई। अभी तो नंदू है उसने लकड़ी है वो वृक्ष की डाली हो वो काटनी शुरू ही की थी कि उसके हाथों से अचानक ही कुल्हाड़ी है वो गिर जाती है। आप चित्र में देखते जाना क्योंकि चित्र के द्वारा ही आपको कहानी लिखनी है। अचानक ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह नदी में गिर गई। नंदू झपट कर पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपना कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। नदी में कुल्हाड़ी तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे तो लकड़ियां काटनी थी और उसी के द्वारा ही उसका परिवार का गुजरान है वो चलता था। इसलिए वह नदी में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा।
उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हड़ी उसके हाथ में न लगी। उसने बहुत ही कोशिश की कि उसे कुल्हड़ी है वो मिल जाए मगर कुल्हड़ी है वो उसके हाथ नहीं आई। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। अब तो वो रोने लगा क्योंकि अब कुल्हड़ी के बिना वो लकड़ी कैसे काटेगा और लकड़ी नहीं मिलेगी तो उसका परिवार का गुजरान कैसे चलेगा। इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। उसने निंदु से उसके रोने का कारण पूछा। देवदूत यानी कि भगवान का आया हुआ व्यक्ति, भगवान ने भेजा हुआ कोई व्यक्ति उसे देवदूत बोलते हैं। उसने नंदू से उनके रोने का कारण पूछा। नंदू रो रहा था तो देवदूत ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो नंदू ने कहा कि कुल्हाड़ी है वो मेरी नदी में गिर गई है, गिर जाने से मैं रो रहा हूँ। ये बात है वह देवदूत को बताता है। देवदूत ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत है वो नंदू से कहता है कि कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हड़ी है वो नदी में से अभी भी निकाल दूंगा। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। यह बात कहकर नदी में देवदूत ने डुबकी लगाई क्योंकि वह कुल्हड़ी लेने का वादा किया था नंदू को। वह सोने की एक कुल्हड़ी लेकर बाहर निकला। देवदूत है वो नदी में जाता है और एक सुनहर यानी कि सोने कुल्हड़ी वो लेकर बाहर आता है। उसने नंदू से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हड़ी है, क्योंकि नंदू की कुल्हड़ी तो नहीं थी। वो बोलता है कि क्या यह सोने की कुल्हड़ी है वो तुम्हारी है। तो नंदू जवाब देता है कि नंदू ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हड़ी नहीं। बच्चों वो कितना ईमानदार समझदार था, वह सोने की कुल्हड़ी देखकर भी ललचाता नहीं है। वो कहता है कि यह कुल्हड़ी है वो मेरी नहीं है। नंदू ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हड़ी नहीं। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चंदू की कुल्हड़ी निकाली। अब दूसरी बार देवदूत है वो नदी में जाता है और वापस आता है और चांदी की कुल्हड़ी लेकर आता है और नंदू से पूछता है कि क्या यह तुम्हारी चांदी की कुल्हड़ी है। तब नंदू क्या उत्तर देता है सुनना। जब देवदूत चांदी की कुल्हड़ी बताकर कहता है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हड़ी है, तब नंदू कहता है कि नहीं, यह मेरी कुल्हड़ी नहीं है। तभी लक्कड़हारे ने इनकार किया। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी के लोहे की कुल्हड़ी निकाली। बच्चों नदी में नंदू की लोहे की कुल्हड़ी है वो गिर गई। अब की बार देवदूत है और लोहे की कुल्हड़ी लेकर बाहर आता है और नंदू से पूछता है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हड़ी है। तो नंदू जवाब देता है। उस कुल्हड़ी को देखकर ही नंदू खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वह लोहे की अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। वह इतना ईमानदार है कि वह न तो सोने की कुल्हाड़ी अपने पास रखता है न ही चांदी की कुल्हाड़ी, मगर वह लोहे की कुल्हाड़ी है वो देखते ही खुश हो जाता है और देवदूत से कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। नंदू की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। नंदू है वह इतना ईमानदार था, न तो उसने सोने की कुल्हाड़ी न तो चांदी की कुल्हड़ी दी। इस बात को देखकर देवदूत है वो खुश हो जाता है। लोहे की कुल्हड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हड़ियों भी देवदूत ने नंदू को इनाम में दी। नंदू है वो ईमानदार था, उसे खुश होकर देवदूत ने उसे सोने की और चांदी की दोनों कुल्हड़ी है वो नंदू को पुरस्कार यानी इनाम के रूप में दे दी। बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीखना है? कोई ना कोई कहानी होती है उससे कुछ ना कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी एक अच्छा गुण है। हमें हमेशा जीवन में ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदारी से जो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। और बच्चों इस कहानी का शीर्षक यानी कि इस कहानी का नाम हम क्या दें?
तो इस कहानी का नाम होगा ईमानदारी का फल। बच्चों यह कहानी है, ये मैंने पुस्तक के द्वारा आपको पढ़ाई है। इसकी लिखी व्याकरण बुक ने लिखने की, कहानी लेखक ने लिखने की माहिती है वो मैं पीडीएफ के द्वारा आपको भेजूंगी, जो आप अच्छे अक्षरों में लिखना और समझने की कोशिश करना। जय स्वामी नारायण।